हेलो फ्रेंड्स, शिवजोत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4-5 उबले हुए आलू, मटर, गोभी और 2 शिमला मिर्च। इन्हें हम उबाल लेंगे। गोभी को उबालने के लिए हल्दी और नमक डाल के उबालेंगे। और ये मैंने लिया है टमाटर का पेस्ट अलग से पीसा है और लहसुन का पेस्ट अलग से पीसा है। और ये प्याज, 3 हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट साथ में पीसा है। हम आलू और मटर को मिक्स कर लेंगे। भाजी बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे और 4 से 5 चम्मच तेल के डालेंगे। गैस को धीमी आंच पर ही रखेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे का कलर जब सुनहरा हो जाए तो इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक वाला पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे 2 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन वाला पेस्ट डालेंगे और इसे मिलाकर इसे भी 2 मिनट पका लेंगे। दो मिनट पकने के बाद हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 2 स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को हमें 4 से 5 मिनट पकने देना है और जब मसाला पक जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। और जब मसाला पक जाए तो इसमें हम उबली हुई गोभी, मटर और उबली हुई शिमला मिर्च डालेंगे। इसे मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। और जब अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर गोभी या फिर शिमला मिर्च अच्छे से मैश नहीं हुई तो हम वापस से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को मिलाकर इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। इसे 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे।
भाजी बनकर के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी हरे धनिए की पत्तियां डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। पाव सेकने के लिए पैन लेंगे और धीमी आंच रखेंगे और इस पर बटर डाल देंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। अब इस पर थोड़ी भाजी डाल देंगे और हरे धनिए की पत्तियां डाल देंगे। पाव को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। पाव भाजी बनकर के तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पाव भाजी खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।